जी आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं देवगांव पावर हाउस के नियरेस्ट में, हमारे क्षेत्र के इस बसही ग्राम के ग्राम प्रधान भाई सालिनी जी हैं, बनारपुर से काशिप भाई हैं, हमारे गांव के वर्तमान प्रधान राजकुमार जी हैं और भी तमाम साथी हैं, सालम हैं, बहुत सारे साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और सबसे पहले हम आप सभी पत्रकार बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे मुद्दे को समाज को बताने का काम किया। आज हम सब लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हैं, ये है NH 233 जिसका निर्माण कार्य पिछले 6 वर्षों से चल रहा है, बहुत धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है। हम लोग 2 साल पहले, ये हमारे गांव मार्ग जाता है देवगांव से सलेमपुर मार्ग, जिस मार्ग पे इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया, ना तो अंडरपास बनाने की, ना कोई चौराहा बनाने की। इनकी जो भी प्लानिंग की गई है, लालगंज टिकरगाड़ हॉस्पिटल के नियरेस्ट में इन्होंने जो चौराहा बनाया है, आए दिन वहां दुर्घटना हो रही है। छठ पूजा के ठीक सुबह के दिन बाप बेटी की दर्दनाक मृत्यु हुई, जो असहनीय मृत्यु देखा नहीं जा रहा था जनता को। इन लोगों की जो प्लानिंग की गई है, उस प्लानिंग के अनुसार बहुत ही घटिया तरीके की प्लानिंग है इस रोड की, और जो प्लानिंग है इनकी प्लानिंग भी घटिया और निर्माण कार्य भी घटिया है। आप लोग एक बार कैमरा उधर भी दिखा लें, बनारस की तरफ से ये रोड को, जो रोड इन्होंने बनाया है, उस रोड को ये तोड़ रहे हैं और तोड़ के वापस ले आके इस रोड के नीचे उसको मलवा स्वरूप अंदर डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल के अपने चोरी को छुपा रहे हैं कि हमारा जो, हमने जो डकैती किया है इस रोड में, हमने जो इस रोड में लूटा है पैसा इस जनता का, गरीब जनता, समाज की जनता, जो टैक्स पे ही जनता है, उस जनता का जो इन्होंने पैसा दुरुपयोग किया है, उस पैसे को दोबारा यह बिल क्लेम करेंगे। उस रोड को तोड़ करके इन्होंने जमीन में डालने का काम किया है। हम लोग लगातार, हमारी जो मांग है, मांग यह है कि हमारे इस रोड पे देवगांव से सलेमपुर मार्ग पे अंडरपास बनना किसी भी कीमत पे तय कर लिया जाए। इस पर 2 साल पहले यहाँ जो भी जिम्मेदार अधिकारी रहे इस रोड के, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम यहाँ अंडरपास निश्चित रूप से बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे काम रोक के रखा हुआ था। लेकिन आज हम देख रहे हैं तो लगातार इनके मन में क्या चल रहा है ये हमको नहीं पता है, लेकिन इनका जो प्लान है, हमको जहाँ तक जानकारी हो पा रही है कि ये अंडरपास नहीं बनाना चाहते हैं। ये किसी तरीके से आनन फानन में घटिया तरीके से निर्माण करते हुए इस रोड को तत्काल बना के भागना चाहते हैं। लेकिन हम आज आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इनके घटिया मंसूबे पे हम इनका पानी नहीं चलने देंगे, इनकी मंशा को हम नहीं चलने देंगे। हम इस रोड को रोकेंगे, इस निर्माण को हमारा रोकने का कोई औचित्य नहीं है, निर्माण रोकना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, हमारा मकसद सिर्फ अंडरपास बनना चाहिए। हमको देवगांव से सलेमपुर मार्ग पर अंडरपास की मांग है, उसी मार्ग के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं।